छुआ चखमुख मेरे, मरहम आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ये गाना क्यों गा रहा हूँ। अरे भाई, मैं आज एनिमल मूवी देख के आया, रणबीर कपूर और रश्मिका का, वही वही जहाँ पे बॉबी देओल भी है ना वो। तो मुझे कैसा लगा, मैं थोड़ा आप लोग को यहाँ पे आई वांट टू एक्सप्रेस यू नो माय फीलिंग्स आफ्टर वाचिंग द एनिमल मूवी। मतलब ब्लॉकबस्टर मूवी, आप लोग को पता होगा वो, जिसे एक्शन ड्रामा मूवी, व्हिच इज डायरेक्टेड बाय संदीप रेड्डी वेंगा, उन्होंने डायरेक्ट किया था, व्हिच वाज रिलीज ऑन 1st ऑफ दिसंबर। सर आप लोग को पता होगा, फर्स्ट दिन से ही बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अभी तक कितना है वो भी बताऊंगा आप लोग को, और फर्स्ट दिन में 63 करोड़ का इनकम कर लिया था। मतलब कि क्या ही बोले, मतलब 2023 का ये हाईएस्ट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन मूवी है एनिमल। मतलब क्या बोलूं, सेकंड डे पे आपका 66 करोड़ इनकम हुआ था। आप सोच के देखिए, अभी तक पूरी वर्ल्ड वाइड में 737 करोड़ का इनकम हो चुका है इस एनिमल मूवी का, एनिमल मूवी से। और ये 100 करोड़ का बजट में बनाया गया था इस एनिमल मूवी को। और अभी देखिए, ये हाईएस्ट जाने वाला है इस साल का, मैं कह रहा हूँ आप लोग को। 11 डे है आज, सेकेंड वीक चालू हो चुका है, स्टार्ट हो चुका है। सेकेंड वीक पे 737 करोड़ हो चुका है। तो ये लगता है मुझे इस वीक में ये 1000 क्रॉस कर देगा। तो ये हाईएस्ट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन मूवी होने जा रही है एनिमल मूवी। मतलब रणबीर कपूर ने, मतलब रणबीर कपूर ने क्या एक्टिंग किया, मतलब क्या बोलूँ। मतलब यहाँ पे एक्शन करते हुए दिखाई देता है उनको, उसके बाद एक्शन करते हुए दिखाई देते हैं, फिर रोमांस, कॉमेडी, मतलब कॉलेज लाइफ का जो होता है ना, कॉलेज लाइफ का जो एज, उसमें भी वो फिट हो जाते हैं, मैच हो जाते हैं, सूट हो जाते हैं। फिर पिताजी, वो हस्बैंड भी बने, हस्बैंड में भी वो मतलब शादीशुदा में भी अच्छे लग रहे थे, एंग्री मूड में, एक्शन मूड में बोलिए, मतलब हर एंगल में, मतलब इतना परफेक्शन, इतना परफेक्ट, मतलब मैंने सोचा नहीं था ये शायद उनका ये फर्स्ट एक्शन मूवी है। तो मतलब क्या ही क्या बोलूँ, मतलब इट्स टू गुड यार, टू गुड, सुपर सुपर। मतलब क्या बोलूँ, बचपना से लेके मतलब हर एंगल, हर शॉट, हर चीज़ इतनी परफेक्शन के साथ किया है ना, मतलब मानना पड़ेगा यार, सच ए ग्रेट एक्टर, यू नो, कहना पड़ेगा। देखिए, जवान मूवी हो या टाइगर बोलिए, गदर टू बोलिए, ये सबको पीछे छोड़ देने वाला है। और ये ऑलरेडी सेकेंड वीक पे जितना कलेक्शन हो रहा है ना, फर्स्ट डे सेकेंड जो डे पे, वो हाईएस्ट जा रहा है 2023 का मूवी में। उनसे पहले भी उनका भी एक मूवी आया था, लेकिन वो सुपर हिट नहीं हुआ था। लेकिन ये मतलब क्या बोल, रश्मिका का अगर बात करें तो रश्मिका का ऐसे वाइफ, रश्मिका का रोल ज़्यादा लंबा नहीं है, लंबा है वैसे उनका रोल जो है, उनके रोल में वो परफेक्ट थी। उनका रोल था, वाइफ का रोल था, रणबीर कपूर की वाइफ। और रणबीर कपूर का जो नाम है ना, यहाँ पे रणबीर कपूर का नाम अलग है, रणविजय सिंह है। और यहाँ पे अनिल कपूर भी है, अनिल कपूर का उनका नाम है बलबीर सिंह। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या है कि देखिए, इस मूवी में क्या है मेन चीज़, मैं थोड़ा आप लोग को समझाता हूँ। देखिए, इस मूवी में रणबीर कपूर, उनका नाम रणविजय सिंह है, ओके, इस नेम इज रणविजय सिंह, और अनिल कपूर बलबीर सिंह। रणबीर कपूर मतलब अपने पिताजी को ही लव सो मच, हिज फादर इज द हीरो ऑफ हिज लाइफ, यू नो, उनका वो अपना फादर को मतलब गॉड की तरह मानते हैं, और इज एवरीथिंग फॉर हिम, मतलब सब कुछ से बढ़कर उनके पिताजी है इस मूवी में। तो यहाँ पे उनके पिताजी जो है इंटरनेशनल बिजनेसमैन है, उनके पास एनी टाइम सिक्योरिटी वगैरह रहते हैं, मतलब बड़े बड़े बड़ा कंपनी उनके पास, मतलब सब कुछ है, सब कुछ है, लेकिन उनके पास टाइम नहीं होता है। तो रणबीर कपूर क्या है कि बलबीर, रणविजय सिंह जो रणबीर कपूर थे, वो बचपन से उनके पिताजी को मतलब हीरो मानते थे, और वो मतलब टाइम स्पेंड करना चाहता थी, वांट्स टू स्पेंड टाइम विद हिज फादर। बट उनके पिताजी इतने बिजी रहते थे अपने काम पे, मतलब अपने बिजनेस पे, कि समय नहीं दे पाते थे। तो उसके बाद मतलब वो अपने अपने फैमिली को भी बहुत प्यार करते थे। उनके एक दीदी भी है इसमें, उनकी दीदी है, उनकी बहन भी है। उस रणबीर कपूर का जो दीदी है ना, उन मतलब उसके दीदी को भी बहुत प्यार करते हैं वो, ओके। तो एक दिन क्या हुआ था कि वो रुट के आ गई थी घर में, तो पूछा कि क्या हुआ, पेशन था दिखाई दिया था। तो स्कूल में उन्होंने बोला, उसने बोला कि स्कूल में क्या हुआ, क्या, तो बोला कि रैगिंग हो रहा है, रैगिंग हो रहा है,
उसके बाद बोलते कि चल तू मेरे साथ चल, तो स्कूल पे उसको लेके जाते थे, एक सिक्योरिटी पीएसओ को लेके चले गए थे, और वहां पे जाके स्कूल में घुस गए थे, स्कूल के अंदर। और स्कूल के अंदर में घुस के मतलब मेरे दीदी को किसने रैगिंग किया, मतलब वो पूछा अच्छे, मतलब नॉर्मली पूछा था, लेकिन कोई हंस के खिल्ली उड़ा रहा था। तो उन्होंने बोला कि, रणबीर कपूर ने बोला, दीदी तो यहीं पे रुक, मैं आ रहा हूँ। तो वो लेके क्या आते बताए, गन लेके आ जाते, गन जो सिख पीएसओ के पास जो गन था ना AK-47, वो लेके आके पूरा फायरिंग कर देते। तो मतलब वो यहाँ पे गुस्से वाले में दिखाई देते, वो जो काम करते वो सही करते हैं, लेकिन उनका जो पिताजी है उनको लगता है कि वो मतलब क्रिमिनल है, क्रिमिनल के नजरिए से देखते हैं रणबीर कपूर को। तो जो कि वो खुद को भी नहीं मानते कि वो क्रिमिनल है, खुद खुद को भी नहीं मानते कि मैंने गलत किया, और वो कभी किसी को सॉरी बोलना नहीं चाहते, सॉरी बोलना उनका आदत भी नहीं है। तो ऐसा है, वो कहते भी है ये। तो मतलब इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मतलब पूरा बोलूंगा तो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो मेन यहाँ पे क्या है कि पिताजी और पिताजी का जो प्यार होता है ना, बेटे को अपने पिताजी के ऊपर जो प्यार होता है ना, जो बॉन्डिंग होता है, वो चीज यहाँ पे दिखाया गया है मेन चीज, और उसी में से ये कहानी जो है बेस है। ओके, और मतलब वहां यहाँ पे उनको स्कूल के कॉलेज के जो स्टूडेंट के रूप में देखा गया है, अलग अलग करेक्टर है, मतलब सस्पेंस पे के सस्पेंस के ऊपर सस्पेंस, मतलब इधर उधर का मतलब थोड़ा थोड़ा करके दिखाते हैं, मतलब कहानी कहानी जो स्टोरी जो है एक एंगल से नहीं जाती है, मतलब हर जगह में थोड़ा थोड़ा अलग अलग करके जो शॉर्ट्स होता है ना, जो आप लोग ने देखा होगा जवान मूवी में, ठीक उसी तरीके का थोड़ा सा है, लेकिन ये इट्स फार बेटर देन जवान मूवी में, आप लोगों को कह रहा हूँ, कैसा कसम से कह रहा हूँ। आप लोग विश्वास नहीं करेंगे तो आप लोग देख लीजिएगा, मतलब इतना, मतलब बेस्ट रणबीर कपूर का मैंने बेस्ट मूवी देखा है, नॉट जस्ट रणबीर कपूर, शाहरुख खान का बोलिए, सलमान खान का बोलिए, मतलब उन सब में से ज्यादा ये मुझे बेस्ट लगा अभी तक का मूवी, जितना मूवीज मैंने देखा, मतलब मजा आ गया। मतलब क्या 3.5 घंटे का मूवी है, लेकिन आपको नहीं लगेगा कि ये 3.5 घंटे का मूवी है। और यहाँ पे तृप्ति, अरे भाई मत बोलो, क्या बोलू तृप्ति, तृप्ति का पहले की उनका फॉलोअर कितना था पता है इंस्टाग्राम में, 664, लेकिन रणबीर कपूर के साथ उन्होंने हॉट सीन किया था, वैसे उनके पिताजी लोग भी, उनके फैमिली मेंबर्स लोग भी खुश नहीं थे, हॉट सीन किया था, मतलब सेक्स का यहाँ पे दिखाया था, सेक्स किया था उनके साथ, तो एक एजेंट की तरह काम करते, बाद में रणबीर कपूर के साथ उनको भी प्यार हो जाता है तृप्ति को। तो मतलब तृप्ति एक नेशनल क्रास बोल सकते हैं, मतलब बहुत लोग पसंद कर रहे हैं अभी, पहले 664K फॉलोअर्स थे इंस्टाग्राम में, अभी 3.2 मिलियंस हो गया। तो देखिए मतलब आदमी का जो है ना टेक ऑफ, अच्छा दिन आने से ज्यादा मतलब फॉलोअर्स, ये सब जो है ना आदमी लोग को जब पता चलेगा, जब अच्छा लगेगा, एक्टिंग वगैरह अच्छा लगता है ना, तो जब पॉपुलर हो जाते तो वायरल होने में समय नहीं लगता है, तो फॉलोअर्स एक झटके में, फॉलोअर्स देखिए 6,64,000 फॉलोअर्स था, अभी 6 लाख से अभी 3.2 मिलियंस, ये बढ़ ही रहा है। तो इंस्टाग्राम का फॉलोअर्स उनका तृप्ति का इतना मतलब पीक ले रहा है ना, ऐसे जा रहा है ऊपर पूरा ग्राफ। तो मतलब उनका जो, उनके साथ जो हॉट सीन हुआ था, मतलब उनके साथ सेक्स किया था रणबीर कपूर ने, एक फार्म हाउस में दादाजी के घर में, वहां पे लेके जाके वहां पे वो सेक्स करते थे तृप्ति के साथ। तो ऐसा स्टोरी था, उनका रोल ऐसा टाइप का था। और बॉबी देओल, अरे भाई बॉबी देओल का मतलब वो तो ऑलरेडी गुड एक्टर है ही, मैं बचपन से उनका मूवीज जो है देखते आ रहा हूँ, ए दुनिया हसीनो कमेला, ये सारा बचपन में देखा करता था उनका मूवीज, मतलब क्या एक्टिंग किया, मतलब उनका बॉडी जो बनाया उन्होंने, जो उनका जो एंट्री था, और फाइटिंग रणबीर कपूर के साथ जो फाइटिंग था, मतलब छोटा रोल था बट धमाका वाला था, मतलब छोटा रोल बट धमाका वाला, इतना परफेक्शन के साथ किया ना, वो बोल नहीं सकते यार इस मूवी में, वो गूंगा है, गूंगे है, और रणबीर कपूर के भाई है, लेकिन रणबीर कपूर उनको मार देते हैं एट द एंड। तो वो एयर मतलब एयरबेस में उनका फाइटिंग होता है, इधर सामने फ्लाइट खड़ी, एयरक्राफ्ट खड़ी, उसके सामने फाइटिंग होता है, मतलब ये बहुत स्टैंडर्ड मूवी भी है वैसे, मतलब हाई फाई कैटेगरी का है, मतलब रणबीर कपूर के पिताजी मतलब इंटरनेशनल बिजनेसमैन थे, तो बड़े बिजनेसमैन थे, मतलब हेलीकॉप्टर, मतलब इस मूवी में दिखाया जाता है लाइफस्टाइल, सब कुछ देखने को मिलता है, मतलब लाइफस्टाइल से लेके मतलब सब कुछ, और फाइटिंग सीन, और रणबीर कपूर को फाइटिंग में इतना अच्छा लगेगा मुझे लगा नहीं था, मैं सोचा भी नहीं था, लेकिन इतना बढ़िया फाइटिंग किया, मतलब बहुत सुंदर किया, बहुत इतना अच्छा फाइटिंग किया, मतलब क्या बोलूं, मतलब जो साउथ इंडियन का टाइप का जो होता है ना फाइटिंग स्टाइल, तो वैसा टाइप का फाइटिंग स्टाइल हुआ यहाँ पे, मतलब मजा ही आ जाता है। 3.5 घंटा का मूवी ना, ऐसा लगता है कि और कुछ होने से और देखूंगा मैं, मतलब ऐसा लग रहा था कि मतलब देखने का बार बार और देखने का और ज्यादा ज्यादा देखने के मन कर रहा था।
बोरिंग का चीज, बोरिंग नाम का चीज इस वीडियो में, इस मूवी में, आई मीन इस मूवी में कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब इंटीमेट सीन बोलिए, अभी ए कैटेगरी का मूवी हो गई, एडल्ट का, 18 प्लस से बिलो अगर आप होंगे तो इस मूवी को देख भी नहीं सकते। तो अभी भी सिनेमा हॉल पे चल रहा है और ये एक महीने में ये मुझे लगता है 2000 करोड़ ये मतलब कमा लेगी पूरी वर्ल्ड वाइड कलेक्शन, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। तो ये 2023 यानी 2023 का ये हाइस्ट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन मूवी होने वाली है। मतलब रणबीर कपूर को मानना पड़ेगा भाई कि इतना अच्छा एक्टिंग मतलब उन्होंने किया। रश्मिका का वाइफ का रोल था, मैंने बोला ही था कि फिर भी अच्छा किया है, जो वाइफ के रोल में जैसा करना चाहिए था, मतलब परफेक्शन दिखाई दिया यहाँ पे। मतलब एक से बढ़कर एक शक्ति कपूर भी थे, मतलब एक से बढ़कर एक यहाँ पे कास्टिंग किया गया है। और क्रिटिक्स लोग कह रहे हैं कि वो लोग स्लैम भी कर रहे हैं पीपल्स लोग कि ये मतलब ज़्यादा एग्रेसिव वाला सीन ज़्यादा है, हॉट सीन ज़्यादा है, लेकिन उतना ज़्यादा हॉट सीन भी नहीं है। मैंने देखा है वो नंगा भी हो जाते हैं, आपने देखा होगा, मैं दिखाता हूँ। तो मतलब मज़ा ही आ गया, क्या बोलूँ क्या ही बोलूँ, मज़ा आएगा। आप लोगों को भी एक बार देखना चाहिए। मैं तो आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि एनिमल मूवी को आप लोग देखिए, आपने आपको रणबीर कपूर का अलग मतलब जो अलग जो अंदाज होता है ना, अलग से अंदाज में आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। तो ये था थोड़ा ब्रीफिंग आप लोग को बता दिया। और हाँ, 2023 का ये हाइस्ट कलेक्शन में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए जवान का जो मूवी है, जवान की मूवी का जो टोटल जो कलेक्शन हुआ था 1148 करोड़ का था, हुआ था टोटल। और जवान के बाद उसके बाद आया था पठान था ना, हाँ पठान का 1050 करोड़ हुआ था अर्निंग। और रणबीर कपूर का जो एनिमल वो अभी तक सेकेंड वीक 11 डे पे इसका कलेक्शन 737 करोड़ हो चुका है। तो मतलब ये नेक्स्ट वीक तक ये 1000 करोड़ जो है क्रॉस कर लेगी। तो मतलब मुझे लगता है ये 2000 करोड़ के आसपास जाएगी टोटल जो वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो होगा ना। तो अच्छा कमाई कर रही है इस मूवी से, मतलब और लोगों को बॉबी देओल ने तो फिर दूसरा मूवी भी साइन कर लिया। उनका जो एक्टिंग था, मतलब एक्टिंग वगैरह क्या मस्त क्या है। मतलब यहाँ पे ए कैटेगरी का है, मतलब बहुत सारा हॉट सीन आप लोग को, इंटीमेट जो सीन होता है ना, वो सारा चीज़ देखने को मिले। इमोशनल है, ड्रामा है, इमोशनल है, फाइटिंग है यहाँ पे, एवरीथिंग, मतलब कॉमेडी है, फनी है, मतलब एक्शन है, मतलब सब कुछ है। मतलब मूवी में जो जो चीज़ चाहिए था ना, वो सारा चीज़ यहाँ पे डाल दिया है। और हर चीज़ को हर चीज़ को इतना अच्छे से निभाया, इतना अच्छे से मतलब किया है कि क्या बोलो। रणबीर कपूर सच एक ग्रेट एक्टर कहना ही पड़ेगा। मतलब अरे भाई, रणबीर कपूर ने क्या एक्टिंग क्या है, मतलब इट विल ब्लो योर माइंड। मतलब इतना परफेक्शन के साथ, मतलब मजा आ गया यार। और देखिए 2023 का ये हाईएस्ट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन मूवी जो है वो होने वाला है, ऑलरेडी हो ही चुका है। आप लोग सोच लीजिए, गदर भी मतलब धूम मचा दिया था। गदर ने 691 करोड़ अर्निंग किया था। फिर टाइगर ट्री 464 करोड़ अर्निंग किया था। मतलब ये सबको पीछे छोड़ चुकी है ये रणबीर कपूर का एनिमल, मतलब 2023 का हाईएस्ट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन मूवी जो है हो चुकी है। और ये ऐसा लग रहा है फ्यूचर में, देखिए रिकॉर्ड जो है तोड़ने के लिए होता है, ताकि फ्यूचर में जाए, ऐसा भी हो सकता है कि इससे अच्छा मूवी भी आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो कह नहीं सकते भाई। तो लेकिन मतलब ये रिकॉर्ड कर गई है अभी तक, मतलब बॉलीवुड में इतना मतलब जो कलेक्शन जो हो रहा है ना पूरी वर्ल्ड वाइड में, इस मूवी से मजा आ जाता है। उनके साथ गार्ड मतलब वो नंगे भी हो जाते हैं। अरे देखना चाहिए आप लोग, देखिए उसके बाद मुझे कमेंट करके बताइए। ओके, तो मिलेंगे अगले से इंटरेस्टिंग टॉपिक पे। तो ये था थोड़ा ब्रीफिंग आप लोग को दे दिया एनिमल मूवी का, मैं देख के आया ना आज कॉल पे, तो इसलिए आप लोग को सोचा कि शेयर कर दूँ। सो मिलेंगे अगले ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक पे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आते रहता हूँ। ओके, सी यू, बाय।